जी हाँ फ्रेंड, आप बनाइए अपने मोबाइल से शादी की वीडियो। किस तरह आपको शादी की वीडियो बनानी है वो आपको बतलाएंगे इस वीडियो में। फ्रेंड ये वीडियो पूरी देखें, और ये फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें, और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्रेंड आपको आपके पास जो वीडियो छोटी छोटी मोबाइल से बनाई होती हैं वो आपको इसमें ऐड किस तरह करनी है और किस तरह आपको उनका वीडियो बनानी है, किस तरह इसमें इफेक्ट डालना है, मैं आपको इसमें बताऊंगा। इस वीडियो में जो आपके फोटो होते हैं, फोटो भी आप किस तरह इसमें वीडियो में डाल सकते हैं वो सब बताया जाएगा इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड आपको बढ़ते हैं। फ्रेंड इस ऐप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप का नाम है काइन मास्टर। इस तरह से ओपन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस वाले पर आइकन पर क्लिक कर दीजिए, एम्प्टी प्रोजेक्ट क्लिक कर दीजिए। ये फ्रेंड इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। मीडिया ब्राउजर पर क्लिक करिए और यहाँ से अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी। यहाँ से वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड, और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, तो जितना आप चाहे इतना कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ और आप अच्छे तरीके से बनाएंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए बताने के लिए आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से इंटरफेस आ गया ये बैकग्राउंड का। और यहाँ से आप लेयर पर जाइए, लेयर पर आने के बाद मीडिया ओपन कर लीजिए। मीडिया में आपकी जो वीडियो होंगी वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड सबसे पहले आपको लेना है बैकग्राउंड, जो आपका जो इफेक्ट आपके जो होंगे ग्रीन स्क्रीन वाले वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी एक। मैंने ये फ्रेंड ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। ये फ्रेंड आप इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। इसको मैं कट कर लेता हूँ, ये इतना ज़्यादा है, और इसको मैं आगे कर लेता हूँ उसको पकड़ के। ये फ्रेंड मैंने आगे कर लिया, थोड़ा सा और कर लेता हूँ। ये फ्रेंड पूरा आगे हो गया है। अब मैं इसको यहाँ तक ही रखता हूँ और बाकी पीछे से काट देता हूँ। फिर आपको काटना बता दूँगा किस तरह आपको काटना है। वीडियो आपको ग्रीन स्क्रीन जो वीडियो आपको ग्रीन वाली उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। राइट में देखिए पहला फर्स्ट वाला आपका कैची, दूसरा आपका और बॉक्स वाला, तीसरा आपको वॉल्यूम वाला, ठीक है। उससे नीचे वाले इन एनिमेशन और ये ओब्रियल एनिमेशन, ये सब एनिमेशन और क्रोमा की। आप क्रोमा की पे जाएंगे और आप क्रोमा की पे जाने के बाद इसको अनेबल कर देंगे, ये आपको जो बैकग्राउंड है ग्रीन वाला ख़त्म हो जाएगा। ये लिख रहा है कलर की, जो भी आपका बैकग्राउंड होगा नीला पीला सफ़ेद काला पीला, उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा ग्रीन था तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है फ्रेंड। ये और इसका सेटिंग कर लेंगे यहाँ से जितने भी आप चाहेंगे, ठीक है। इस तरह से इस पे फिर ओके कर दीजिए। अब इसको फुल स्क्रीन करना है, फिर क्लिक कर दीजिए। बॉक्स वाले पे क्लिक करिए, यहाँ पे फुल ऑफ लिख रहा है, ऑफ वाले साइड राइट में जाइए, फुल कर दीजिए। ये फुल हो गया फ्रेंड, ये फुल हो गया। अब फ्रेंड आपको करना क्या है इसमें, आपको कट और बताना है आगे से कैसे काटना है, पीछे से कैसे काटना है। कैंची वाले पर जाइए, कैंची वाले पर लिख आप ओपन करेंगे इस तरह से खोलेंगे तो ये लिख ऑप्शन आ रहे हैं, चार ऑप्शन आपके फ्रेंड, ठीक है। आपको बताना पहले वाला काम क्या है। पहले वाला काम है अगला काटना, पीछे वाला काम है पिछला काटना, और ये दो लिख अब स्प्लिट लिख रहा है। स्प्लिट का मतलब है दो करना, इसको जोड़ दे, मतलब एक लेफ्ट कर देगा एक राइट कर देगा, बीच में ये एक प्लस बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से ये इस पर यही तीन काम में आते हैं आप ज़्यादातर, ठीक है फ्रेंड। और ये आप यहाँ से फ़ोटो ले लीजिए एक, वहीं से जहाँ से आपको मीडिया सॉरी लेयर से यहाँ से फ़ोटो जो आपके शादी वीडियो के होंगे वो यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे आप। एक सेकेंड, ये फ़ोटो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड। फ्रेंड ये वीडियो लंबी बन जाएगी इसलिए थोड़ा स्किप करके आपको दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड मैंने वीडियो और फ़ोटो ले लिया है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड ये इस तरह से ये हो गया फ्रेंड। अब इस ये इतना हो गया है। अब इसको पैक कैसे करना है आपको ये आप सोच रहे हैं कि ये तो गलत हो गया, सही नहीं बन रहा, तो आप इस पर क्लिक रखेंगे। आप क्लिक है आपका और राइट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट का ऑप्शन से नीचे थ्री डॉट का ऑप्शन आ रहा, इस पर क्लिक करेंगे, बैक सेंड टू बैक कर देंगे आप इसको। ये देखिए फ्रेंड सेंड टू बैक इसके पीछे चला गया। और ये देखिए फ्रेंड प्ले कर लेता हूँ, ये देखिए फ्रेंड इस तरह से बन गया। और आप चाहते हैं इसमें भी इफेक्ट डालना और तो यहाँ से एनिमेशन पे इस पर क्लिक करेंगे, थ्री जो आपकी इमेज है, और इन इन एनिमेशन कर देंगे।
ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपका कुछ आएगा। ये देखिए फ्रेंड, जैसा आप चाहें वहाँ से इस तरह सा ये हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, जैसा आपको अच्छा लगता है इस तरह से कर सकते हैं फ्रेंड। जितना आप चाहें इसके 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड आपके हिसाब से बना सकते हैं इसको। अब यहाँ से एक नेक्स्ट फोटो और लेक सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड में। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे फोटो एक सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने फोटो ये वाला सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ फोटो को। ये देखिए फ्रेंड, ये फोटो फुल स्क्रीन पर हो गया। अब इसको बैक किस तरह करना है वही आपको बताया था मैंने। डिलीट के ऑप्शन से नीचे 3 डॉट आ रहे हैं, इस पर क्लिक करिए, बैक टू सेंड कर दीजिए और ये आपका फोटो सेलेक्ट हो गया फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपका फोटो सेलेक्ट हो गया। और जो आपको जो अभी ये थोड़ा और बचा है, आप थोड़ा इसको आगे कर लीजिए और एक फोटो और लगा लीजिए यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड, इस प्रकार ये बनाया कुछ। इसमें आप गाने में डाल सकते हैं, जैसे आप चाहें गाना जो आप गाना लगा सकते हैं शादी का, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड, इस तरह ये बन गया है। मैं आपको दिखाता हूँ और थोड़ा बना के। और आपको यहाँ पे फिर मीडिया ब्राउज़र पे जाइए, फिर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी। मैंने यहाँ फ्रेंड ये सेलेक्ट किया है। अब यहाँ जाने के बाद आप यहाँ से लेयर पर जाइए, मीडिया होली ओपन करके यहाँ से एक वीडियो, फिर काइन जो ग्रीन स्क्रीन है फिर सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं फोटो फ्रेंड ये वाली वीडियो ले लेता हूँ फुल। इसको देख लीजिए कितनी कहाँ सक क्या हिसाब है इसका। ठीक है फ्रेंड, यहाँ इसको सिर्फ यहाँ से काट दीजिए, मैं काट देता हूँ और आप जैसे आप चाहेंगे वैसे कर सकते हैं आप फ्रेंड। ये बस इस तरह बन गया। और इसमें आपको फुल स्क्रीन करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए, फुल पे क्लिक कर दीजिए, आप फ्लिक कर दीजिए और इसको इतना पीछे का बैकग्राउंड जो है आप ट्रीट कर दीजिए इसका। अब यहाँ पे एक अपनी फ़ोटो या वीडियो एक ले लीजिए लेयर मीडिया, और यहाँ से एक जो वीडियो आपकी है वो वीडियो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए एक। ये फ्रेंड, मैंने यहाँ पर फोटो सेलेक्ट किया है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्रोमा की पे इस पर जब ग्रीन वीडियोस पे क्लिक करिए और ये इस तरह का ऑप्शन आएगा, क्रोमा की जाइए, उसको इनेबल कर दीजिए। देखिए बैक हो गया, तो इस तरह से कर दीजिए। इस तरह से आप फ्रेंड आपकी वीडियो बन जाएगी। आपको गाना लगाना है, ऐसे मीडिया ऑडियो पकड़िए, ऑडियो में पे एक गाना सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको पसंद है। ये फ्रेंड में सेलेक्ट कर लेता हूँ एक गाना। ठीक है, ये ठीक है गाना। इसको पूरा यहाँ से शुरू से स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड, प्ले करते हैं। फ्रेंड, इस तरह से आप अच्छी तरीके से वीडियो एडिट कर सकते हैं। और आप ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाएं।